हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। और आज अपन पढ़ेंगे प्रकाश का ध्रुवण। किसके अंदर? प्रकाश की प्रकृति के अंदर प्रकाश का ध्रुवण। तो देखिए होता है क्या, प्रकाश का ध्रुवण पढ़ने से पहले आपको अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है और अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है इसकी जानकारी होगी। अगर नहीं है तो देखिए, अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है। अनुप्रस्थ तरंगे, इनको अपन बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स वेव। ये वो तरंगे होती है जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के, जिस दिशा में तरंग आगे बढ़ रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसके लंबवत दिशा में गति करते हैं, ऐसी तरंग को बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी डोरी में जाती हुई वेव तो ऑन स्ट्रिंग, किसी डोरी पर जाती हुई तरंगे। जैसे डोरी को रस्सी पर वहां से बांध दिया, झटका दिया आपने, ऐसे उसमें जो पल्स है ऐसे जा रही, तरंग ऐसे आगे बढ़ रही है, उसके कण ऐसे ऊपर नीचे, उसके मतलब तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत गति कर रहे हैं। ये बन जाएगी आपकी अनुप्रस्थ तरंग। पहली बात है, मैंने लिखवा दी थी कब, जब इस चैप्टर स्टार्ट किया तो लेक्चर फर्स्ट में बात मैंने आपको अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, यांत्रिक, अयांत्रिक सारी बातें वहां पे बता रखी है। तो यहाँ पे ये बन जाएगी आपकी अनुप्रस्थ तरंग। इसमें क्या हो गया कि माध्यम के जो कण है, आपकी वेव जो वेव है तरंग, वो इस दिशा में री वेव से आगे बढ़ रही है। तो ये तो हो गया अनुप्रस्थ तरंग। फिर एक होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। एक होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूड, LONGITUDINAL, लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसमें क्या होती है? ये वो तरंगे होती है जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में, तरंग संचरण की दिशा में गति करते हैं। तरंग संचरण की दिशा में, जैसे वेव आपके आगे बढ़ रही है, वेव वेव मतलब तरंग ऐसे आगे जा रही है, तो जो माध्यम कण भी ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, मतलब साउंड वेव, ध्वनि तरंगे, वो क्या होती है उसमें वो संपीड़न और विरणन के रूप में आगे बढ़ती है। वो आपका 11th क्लास में हमने पढ़ रखा, वो बात मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये आगे तरंग और गति के रूप में आगे बढ़ती है, और ये संपीड़न कहीं कम, संपीड़न विरणन के रूप में आगे बढ़ती है। इसमें माध्यम कण तरंग संचरण की दिशा में गति करते हैं, और इसमें माध्यम कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। किसमें? अनुप्रस्थ में। क्लियर है आपसे? ये तो भी तरंग है। ऐसा ये क्यों बताया? ये इसलिए बताया कि अपनी जो ध्रुवण है वो ध्रुवण केवल किन में होता है? अनुप्रस्थ तरंगों में होता है, अनुदैर्ध्य तरंगों में ध्रुवण नहीं होता है। किन में होता है ध्रुवण? किन की घटना है? ध्रुवण केवल अनुप्रस्थ तरंगों की घटना है, अनुप्रस्थ अयांत्रिक तरंगों की घटना है। क्लियर? तो आगे देखिए, ध्वनि का ध्रुवण पॉसिबल नहीं। ध्वनि का मतलब साउंड, जो एयर के अंदर साउंड वेव, जो आपकी साउंड वेव, उसका हवा में एयर में पोलराइजेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक अनुदैर्ध्य तरंग है। तो ध्रुवण केवल उन्हीं तरंगों में होगा जो आपकी ट्रांसवर्स वेव है, अनुप्रस्थ तरंग है। तो आप लिखिए कि ध्रुवण केवल और केवल ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंगों में होता है। ध्रुवण किन में होता है? ध्रुवण। नॉर्थ से लिखिए हरी नाली के प्रकाश का ध्रुवण, और लिखिए ध्रुवण केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होता है। किन में होता है? ध्रुवण केवल अनुप्रस्थ तरंगों की घटना है। ध्रुवण केवल अनुप्रस्थ तरंगों की घटना है। क्लियर? अब देखिए, आपका अपन जो लाइट पढ़ रहे हैं, लाइट क्या है? लाइट एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सी है? विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग। विद्युत में क्या होती है? वे तरंगे जिनको प्रोपेगेट होने के लिए, जिनको संचरित होने के लिए, या जिनको आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, कोई आप उनको मेटल मीडियम के माध्यम नहीं चाहिए, ऐसे तरंगों को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक होती है यांत्रिक तरंगे, जिनको आगे बढ़ने के लिए किसी मेटेरियल मीडियम माध्यम की आवश्यकता होती है, उन्हें बोलते हैं अपन यांत्रिक तरंगे। तो जो प्रकाश है, अपना जो प्रकाश, वो क्या है बताया था, उन्होंने मैक्सवेल ने बताया था कि जो प्रकाश है, प्रकाश एक, प्रकाश लिखे नोट, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है, जिसमें क्या होगा? विद्युत क्षेत्र भी होगा, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, और जिसमें तरंग संचरण की दिशा भी होगी, और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। कैसे? अगर मान लो आपकी तरंग एक्स में चल रही है, एक्स डायरेक्शन में, एक्स टाइम चल रही है, और विद्युत क्षेत्र वाई में है, तो चुंबक क्षेत्र क्या होगा? जेड में से। जैसे मैं ये मेरा ये हाथ किसको बता रहा है, मतलब मान लो ये बता रहा है विद्युत क्षेत्र को, ये हाथ बता रहा है किसको? चुंबक क्षेत्र को। जो मेरे चलने की जो दिशा, वो किसको बताएगी? तरंग संचरण की दिशा को, तरंग संचरण की दिशा को। ठीक है,
इसमें क्या है, इसमें प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है जिसमें, ठीक है, जिसमें विद्युत क्षेत्र, जिसमें विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र को तो दिखाते हैं जिससे ई इलेक्ट्रॉन है, वह चुंबकीय क्षेत्र, वह चुंबकीय क्षेत्र किससे दिखाते हैं इसको, बी वेक्टर से, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, वह तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा जिस दिशा में तरंग आगे बढ़ रही है, संचरित हो रही है, प्रोपगेट हो रही है, बात एक ही है, ठीक है, वह तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा तीनों एक दूसरे के लंब, तरंग संचरण दिशा तीनों एक दूसरे के लंबवत होते, तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, क्लियर, ये हो गया। मतलब क्या हुआ कि अगर ये एक्स एक्स, ये आपका वाई एक्स और ये आपका जेड एक्स, इधर क्या होगी, इधर होगी तरंग संचरण की दिशा, इधर होगी तरंग संचरण की दिशा, और वाई में क्या होगा, वाई में होगा विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, और जेड में क्या होगा, बी वेक्टर, बी वेक्टर मतलब चुंबक के, तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं, इसी बात क्लियर। अब देखिए यहाँ तक ही हो गया है कि आपकी जो प्रकाश, प्रकाश में विद्युत चुंबक के अनुप्रस्थ तरंग है, और प्रकाश अगर विद्युत चुंबक के अनुप्रस्थ तरंग है तो इसका पोलराइजेशन का ध्रुवण पॉसिबल है। अब होता है क्या, अब आते हैं ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, अध्रुवित प्रकाश क्या होता है और प्रकाश का ध्रुवण क्या है। तो देखिए ये होता क्या है कि जब भी किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, जब भी किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था से निम्न अवस्था में आता है तो विभिन्न प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है, और प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण, और हर संभव दिशा में, हर पॉसिबल डायरेक्शन में वो विकिरण उत्सर्जित करेगा। तो ऐसा जो प्रकाश है उसको क्या बोलते हैं अपन, उसे प्रकाश को बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश। और यहाँ पर प्रकाश का ध्रुवण पढ़ने के लिए अपन प्रकाश वाले जो ये आपकी ई वेक्टर, बी वेक्टर और ई एम डब्ल्यू, ई एम डब्ल्यू मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय विकिरण में, अपन बी वेक्टर को छोड़ देते हैं, बी वेक्टर को छोड़ देते हैं, किसकी बात करते हैं अपन, सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र सदिश की बात करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो अपनी आंख है, अपनी जो आई है, वो केवल विद्युत क्षेत्र के लिए सेंसिटिव है, वो उसको सेंस कर पाती है, ठीक है, और इसीलिए इस विद्युत क्षेत्र सदिश, विद्युत क्षेत्र सदिश को प्रकाश सदिश बोलते हैं, क्योंकि तरंग की सभी घटनाओं के लिए, तरंग की सभी प्रकाशीय घटनाओं के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन उत्तरदायी है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र रेस्पॉन्सिबल, वो उत्तरदायी। तो एक लाइन और लिखिए इसमें कि तरंग की सभी प्रकाशीय घटनाओं के लिए केवल विद्युत क्षेत्र सदिश उत्तरदायी है, विद्युत क्षेत्र सदिश रेस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी, यानी सारी जो प्रकाश की घटना है वो किसकी वजह से होती है, विद्युत क्षेत्र सदिश की वजह से, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र सदिश को प्रकाश सदिश भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रकाश सदिश, लाइट वेक्टर जिसको बोलते हैं, प्रकाश सदिश लाइट वेक्टर भी कहते हैं, प्रकाश सदिश भी कहते हैं। तो ये तो जनरल बात है। अब आते हैं क्या, ये अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, तो जो भी आपकी सूर्य से या किसी भी जैसे कैंडल से, बल्ब से जो लाइट आ रही है वो क्या है, अध्रुवित है। अध्रुवित का मतलब ये होता है कि उसके जो विद्युत क्षेत्र, देखो मैं क्या बोलूंगा, मैंने बी को छोड़ दिया, अपन किसकी बात करें, सिर्फ ई वेक्टर की, विद्युत क्षेत्र सदिश की बात करेंगे, प्रकाश सदिश की बात यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अध्रुवित प्रकाश वो है जिसमें जो विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन है तरंग संचरण की लंबवत दिशा में, तरंग संचरण की लंबवत दिशा में, हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में, हर एक संभव दिशा में पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश। और अगर इन विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपनों को हम किसी फिक्स एरिया में कन्फाइन कर दें, फिक्स करें कि एक ही तरह से ऊपर गति करेगा या ऐसे वाइब्रेट करेगा, कंपन करेगा, उसे अपन बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश, उसे हम क्या बोलते हैं, ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा तो आप यहाँ तक पॉज करके नोट कीजिए, इसका आपको मैं एग्जाम्पल दूँ किसको कैसे समझाना, यहाँ तक आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे आपको ध्रुवण का एक आइडिया लगेगा कि ध्रुवण है क्या चीज, पोलराइजेशन है क्या चीज रियल के अंदर। तो देखिए
हो गया सर। इसको तो कर रहा हूँ मैं। आप देखिए प्रकाश का ध्रुवन समझने के लिए अपने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या? जैसे आपने रस्सी ली, इसको आप कर दें। ओके रस्सी लिया आपने, क्या ले ली? रस्सी। रस्सी नहीं तो ले ली, उठा लीजिए रस्सी और उसको किसी खिड़की से बांध दीजिए या किसी बाहर से किसी बाहर बांध दीवार में होल कर लीजिए। दीवार में क्या कर लीजिए? होल छेद कर लीजिए और उसको जलाइए। मतलब समझ में नहीं आ रहा। इधर देखिए कि मान लो ये बोर्ड है, ये क्या है? बोर्ड दिख रहा है आपको? इसके बीच में मैंने एक क्या कर दिया, छेद, जैसे एक धारी काट दी, इसको काट लिया, पूरा नहीं काटा, अलग हो जाएगा, यहाँ से और यहाँ से रखा है, और एक रस्सी ली और रस्सी को पीछे बांध दिया, रस्सी को पीछे बांध दिया, और मैंने उस रस्सी को मैंने हाथ से आगे से पकड़ रखा है। अब मैं रस्सी को ऐसे हिलाऊंगा तो ये वाले जो कंपन है वो तो आगे जाएंगे, लेकिन मैं रस्सी को ऐसे हिलाऊंगा तो ये वाले कंपन आगे नहीं जाएंगे। क्या आइडिया लग रहा है? ये रिवॉर्ड है, यहाँ मैंने क्या काट ली, धारी का, ऐसे इसमें मार्केट में करेगा, इसमें मैंने क्या काट ली, धारी का, इसको कट कर लिया, पूरा कट नहीं किया, यहाँ से और यहाँ से लेकर ये काट रखा है, और इसमें क्या, इसमें एक रस्सी बांध ली पीछे, इसमें एक पीछे क्या कर दिया, रस्सी को इसमें डाल के अंदर से यहाँ से इसको पीछे आगे बांध दिया। ये क्या कर दिया मैंने, रस्सी को बांध दिया। अब क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से हिला रहा हूँ, ऐसे हिला रहा हूँ, तो जो ये वाले कंपन है ये तो आगे निकल जाएंगे, लेकिन इसको ऐसे रहूँ ऐसे तो ये वाले रुक जाएंगे, ये वाले रुक जाएंगे। यही आपका ध्रुवित प्रकाश, यही आपका ध्रुवित प्रकाश है कि प्रकाश का जो विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन है वो सभी संभव दिशाओं में ना होके केवल एक फिक्स दिशा में हो रहा है। इसे बोलते हैं पोलराइज लाइट या PPL, प्लेन पोलराइज लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश। क्या बात समझ में आई? ये बोर्ड है, इसने काटा यहाँ से, पीछे रस्सी को बांध दिया, रस्सी यहाँ से मैंने ऐसे पकड़ रखी, आपने पकड़ रही, कोई बात नहीं, इसको ऐसे हिलाओगे तो ये वाले जो कंपन वो तो आगे जाएंगे, लेकिन अगर इसको ऐसे हिलाओगे तो ये वाले कंपन आगे नहीं जाएंगे, यानी फिक्स दिशाएं कंपन आगे जा रहे, सारे नहीं जा रहे। इसे बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश। क्लियर आइडिया लगा? तो देखिए अब इसके बाद परिभाषा लिखते हैं। तो पहले पढ़ते हैं प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है, प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है उसकी परिभाषा लिखेंगे, फिर बोलता है कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है और ध्रुवित प्रकाश क्या है और ध्रुवित प्रकाश क्या है, इनको लिखते हैं। तो पहले लिखते हैं प्रकाश का ध्रुव, प्रकाश का ध्रुव इसमें लिखते हैं यदि किसी प्रकाश के ध्रुव लिखते हैं, लिखे मेरे साथ साथ, यदि किसी प्रक्रिया द्वारा, यदि किसी साथ साथ लिख लीजिए परिभाषा, यदि किसी प्रक्रिया द्वारा, यदि किसी प्रक्रिया द्वारा प्रकाश के विद्युत सदिश, प्रकाश के विद्युत सदिश के कंपनों को, विद्युत सदिश के कंपनों को, विद्युत सदिश के कंपनों को तरंग संचरण के, तरंग संचरण में जिस दिशा में आपकी वेव आगे बढ़ रही है, तरंग संचरण के लंबवत दिशा में, लंबवत दिशा में, लंबवत दिशा में, तरंग संचरण के लंबवत दिशा में एक ही दिशा में तरंग, एक मिनट, वह प्रक्रिया यदि किसी प्रक्रिया द्वारा विद्युत सदिश के कंपनों को तरंग संचरण के लंबवत दिशा में, लंबवत दिशा में एक ही तरंग संचरण के लंबवत दिशा में एक ही दिशा में सीमित कर दिया जाए, एक ही दिशा में सीमित कर दिया जाए तो इसे क्या बोलते हैं, तो इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं, तो इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं, तथा प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। क्या हुआ, यदि किसी भी प्रक्रिया, किसी मेथड के द्वारा, यदि किसी प्रक्रिया द्वारा विद्युत सदिश के कंपनों को तरंग संचरण के लंबवत दिशा में एक ही दिशा में सीमित कर दिया जाए, तरंग ऐसे आगे बढ़ रही है और उसके लंबवत दिशा में विद्युत सदिश के कंपनों को या तो ये वाले कंपन या ये वाले कंपन किसी एक ही दिशा में फिक्स कर दिया जाए, उसे बोलते हैं ध्रुवप्रकाश का ध्रुवण, और जो प्रकाश आपको मिल रहा है उसे बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश। क्लियर, ये परिभाषा नोट कीजिए, एट दी एंड आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा, आप लिख लीजिए एक बार, ठीक है, हो गया आज तक। चलिए आगे बात करते हैं अध्रुवित प्रकाश, किस बात करते हैं, याद लिख लिया होगा अध्रुवित प्रकाश,
प्रकार, और इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे अनपोलराइज लाइट। क्या बोलेंगे? अनपोलराइज लाइट, अनपोलराइज लाइट। ये क्या होता है? देखिए इसमें क्या होता है, वह प्रकार जिसमें विद्युत सदिश के कंपन तरंग संचरण की लंबवत दिशा के लंबवत दिशा में सभी संभव दिशाओं में गति, सभी संभव दिशाओं में कंपन करेगा। इसके बारे में लिख देते हैं कि क्या, ऐसा प्रकार जिसमें विद्युत सदिश के कंपन तरंग संचरण, ऐसा प्रकार जिसमें विद्युत सदिश के कंपन प्रकाश संचरण दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में समित रूप से पाया जाता है। इसको लिखा हूं मेरी भाषा में, अद्वित प्रकार। क्या कहेंगे? ऐसा प्रकार, ऐसा प्रकार जिसमें जिसमें विद्युत सदिश, जिसमें विद्युत सदिश, जिसमें प्रकाश के, या जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश, जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश, विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन, कंपन मीन्स वाइब्रेशन, कंपन कंपन तरंग संचरण के, तरंग संचरण के लंबवत दिशा में, तरंग संचरण के लंबवत दिशा में, तरंग संचरण के लंबवत दिशा में सभी सभी तरंग संचरण के लंबवत दिशा में सभी संभव, सभी संभव दिशाओं में, सभी संभव दिशाओं में, सभी संभव दिशाओं में सममित रूप से होते हैं, सममित रूप से होते हैं, सममित रूप से होते हैं। क्या कहलाएगा? होते हैं तो ऐसा, तो होते हैं तो ऐसा प्रकार, होते हैं तो ऐसा प्रकार, ऐसा प्रकार अद्वित प्रकार, तो ऐसा प्रकार अद्वित प्रकार कहलाता है, ऐसा प्रकार अद्वित प्रकार कहलाता है। क्या समझ आया? कि ऐसा प्रकार जिसमें विद्युत सदिश के कंपन तरंग संचरण के लंबवत हर एक पॉसिबल डायरेक्शन, हर एक संभव दिशा में उसके वाइब्रेशन होते हैं, उसके कंपन होते हैं, ऐसे अपने प्रकाश को बोलते हैं। ये वाले कंपन भी है, ये वाले कंपन भी है, ये वाले कंपन भी है, ये कंपन है, सारे कंपन। देखिए तो देखिए अद्वित प्रकाश को दिखाने का सिंबल है, उसका जो वीओ चित्र कैसा होता है, ऐसा होता है। ये अपन अद्वित प्रकाश को दिखाने के लिए एक सिंबल काम में लेते हैं। अद्वित किसका साइन है? ये किसका संकेत है? ये संकेत है अद्वित प्रकाश का, कि अद्वित प्रकाश को आप ऐसे दिखाते हो। अद्वित प्रकाश को दिखाने का ये तरीका है। क्या बोला मैंने कि अगर तरंग इधर है, मान लो तरंग संचरण की दिशा है, तो इसके इधर भी कंपन है, इसके लंबवत भी कंपन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, हर एक संभव दिशा में कंपन, ऐसे ऐसे प्रकाश को बोलते हैं अद्वित प्रकाश। और इसी को दिखाने का दूसरा तरीका और है कि इसको हम रिजोल्व कर लें, घटकों में वियोजित कर ले, तो क्या होगा? घटकों में तो इसका इधर अगर कोस आएगा, इधर क्या आएगा? साइन। समझ लो, वही जैसे आपका ही सदिश है, इधर क्या आएगा? एफ कोस थीटा। इधर क्या आएगा? ये सदिश मान लो एफ है, ऊपर क्या आएगा? एफ साइन थीटा। तो घटकों में वियोजित करने के बाद इसको हम ऐसे ही दिखा सकते हैं। जैसे इसको दिखाने का दूसरा तरीका यह है कि यह आपने लाइन ड्रॉ की, या अपने दिशा, ये किसको बता रहा है? ये बता रहा है बी, मतलब ये दिशा है तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा, मतलब जिस दिशा में आपकी तरंग आगे बढ़ रही है, और इसके लंबवत ये कंपन है, ये कंपन है इसके जिस जिस तल में ये आपकी तरंग है उस तल के समांतर कंपन, उस तल के क्या समांतर कंपन। तो ये तो हमें तल के समांतर कंपन किसके? विद्युत सदिश के। और दूसरा अपन यहाँ लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? यहाँ डोट, यहाँ डोट, यहाँ डोट, यहाँ डोट, यहाँ डोट। ये भी अद्वित प्रकाश को दिखाने का सिंबल है, ये भी अद्वित। आप ऐसे दिखा दो, आप ऐसे दिखा दो, दोनों ही बात सही है, और समझ आ गया? या तो ये या ये, तो ये भी आपका अद्वित प्रकाश को दिखाने का अनपोलराइज्ड लाइट को दिखाने का पिक्टोरियल व्यू का चित्रण इसको दिखाते हैं, उसका संकेत है अद्वित प्रकाश का। यहाँ पे डॉट क्या है? डॉट है तल के लंबवत कंपन। डॉट क्या है? जिस तल में आपकी तरंग है, इस तल के लंबवत, मान लो बोर्ड तल है, तो ये तो लंबवत कंपन। डॉट किसको बता रहा है? लंबवत तल को। जब ये किसको बता रहा है? इसके समांतर कंपन। एरो किसको बता रहा है? समांतर कंपन को, इसके बोर्ड के तल के समांतर। डॉट किसको बता रहा है? इसके लंबवत तल को। लिखना, एरो का मीनिंग है तल के समांतर कंपन, कंपन डॉट बराबर तल के लंबवत कंपन। ये हो गया आपका पोलराइज्ड लाइट। आज अगर ध्रुवित प्रकाश, तो ध्रुवित क्या होगा? अपन यदि इसको मैं क्या कर दू, एक दिशा में फिक्स कर दे, तो आप यहाँ तक पहुंच गए, इसको नोट कर लीजिए। आज हम लिखते हैं ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश, फटाफट से आते हैं।
क्लियर ओके छोड़िए थोड़ी सी। तो आगे लिखिए ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश इसलिए क्या होगा जो विद्युत सदृश के कंपन है तरंग संचरण के लंबवत हर एक दिशा में ना होकर केवल एक ही दिशा में होंगे, या तो ये वाले कंपन होंगे या ये वाले कंपन होंगे लंबवत वाले। जैसे अभी आपने इसमें दिखा था जैसे आप बोर्ड को छेद कर दीजिए और रस्सी बांध लीजिए उसको हिलाइए, ये आगे जाएंगे जब ये आगे नहीं जाएंगे वही है। तो आगे लिखिए ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलराइज लाइट। पोलराइज लाइट होता क्या है, यदि जिसमें ऐसा प्रकाश, जिसमें ऐसा प्रकाश लिखे ऐसा प्रकाश जिसमें ऐसा प्रकाश जिसमें प्रकाश के ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत क्षेत्र या विद्युत सदिश के कंपन, विद्युत सदिश के कंपन, विद्युत सदिश के कंपन मतलब वाइब्रेशन कंपन तरंग संचरण के लंबवत, तरंग संचरण के लंबवत, तरंग संचरण के लंबवत, तरंग संचरण के लंबवत सभी दिशाओं में, तरंग संचरण लंबवत सभी दिशाओं में समान रूप से ना होकर, सभी दिशाओं में समान रूप से ना होकर, समान रूप से ना होकर, ना होकर किसी एक ही दिशा में, किसी एक ही दिशा में सीमित होते हैं, किसी एक ही दिशा में सीमित होते हैं। तो ऐसा प्रकाश होते हैं तो ऐसा प्रकाश ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। तो ऐसा प्रकाश ध्रुवित प्रकाश पोलराइज लाइट, ऐसा प्रकाश ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। समझ में आया कि अपन में जो विद्युत सदिश के कंपन थे ऐसे भी था ऐसे भी था, हर एक समुद्र को रोक के या तो ये वाला आगे जाने दिया या ये वाला आगे जाने दिया, ठीक है। इसको जो दिखाने का तरीका होता है या तो इसको दिखा दो या तो ये दिखा दो, केवल एरो, केवल एरो। इसका मतलब यह है कि आपको जो इस तरह के समांतर कंपन थे वो तो आगे निकल गए जबकि डॉट है वो रुक गए, डॉट यहाँ पे मैंने नहीं दिखा, यहाँ पे डॉट मैंने नहीं दिखा है। ये भी तरीका है, यह आपकी होगी तरंग संचरण की दिशा, या फिर इसको दिखाने का तरीका यह है कि यह आपकी तरंग संचरण की दिशा केवल आप डॉट लो, केवल क्या लो डॉट, केवल क्या लो डॉट, डॉट को बता रहा है, डॉट का मीनिंग है, इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है तल के, इसके इसके तल के समांतर कंपन, तल के समांतर कंपन कौन सा तल, जिसमें आपका तरंग संचरण, जिसमें आपका तरंग चल रही है उस तल के, तरंग तल के समांतर कंपन, तल कौन सा जिसमें आपकी तरंग चल रही है, और डॉट का मीनिंग है तल के लंबवत कंपन, तल के लंबवत कंपन। लेकिन दोनों में से कोई एक ही आगे निकला, दोनों एक साथ आगे नहीं निकले, ये हो गया आपका अध्रुवित प्रकाश। क्या हो गया अध्रुवित प्रकाश। और जो युक्ति जो डिवाइस बहुत सारे डिवाइस निकोल प्रिज्म और केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पोलराइज होती है निकोल प्रिज्म में, जिनसे अपन ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ओके यहाँ तक कोर्स में तो नोट कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं कंपन तल क्या होता है और कंपन तल क्या होता है और ध्रुवण तल क्या होता है, कंपन तल क्या होता है और ध्रुवण तल क्या होता है। हो गया यहाँ तक क्लियर। तो आगे लिखिए कंपन तल हुआ है ध्रुवण तल, तो फिर बात करते हैं कंपन तल क्या है और ध्रुवण तल क्या है। इसी बात है क्लियर कि कोई एक दिशा का वाइब्रेशन यानी विद्युत सदिश का कंपन बाहर निकलेगा बाकी दूसरा ब्लॉक हो जाएगा, दूसरा रुक जाएगा। क्लियर है, चलिए हटा दें इसको। आगे लिखिए कंपन तल, कौन सा तल, कंपन तल, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ये क्या होता है जिसमें विद्युत सदिश के कंपन भी होते हैं, जिस ऐसा तल जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन और तरंग संचरण दोनों होते हैं उसको बोलते हैं कंपन तल। तो देखिए इसमें आगे प्लेन ऑफ कंपन तल, कंपन तल, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कंपन तल। इसको जो समझते हैं पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कैसे कि मान लो आपके पास ये कोई अध्रुवित प्रकाश है, आपके पास ये क्या कोई अध्रुवित प्रकाश, दिखाते हैं अध्रुवित प्रकाश दिखाने का तरीका ये है, ये आपके पास अध्रुवित प्रकाश, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो और इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी आप इसको दिखा सकते हो। ये तो एरोस, एरोस किसको बता रहा है, इस तल के समांतर कंपन, और डॉट किसको बता रहा है,
डॉट बता रहा है तल के लंबवत क्रम पर। अब क्या किया आपने, यहाँ लगा दिया पोलराइड, क्या लगा दिया आपने पोलराइड, क्या लगा दिया पोलराइड। पोलराइड क्या होता है, प्रकाश को ध्वनित करता है, प्रकाश को ध्वनित। इसने क्या किया, इसने केवल कुछ कंपन को बाहर निकले दिया और कुछ को इसने ब्लॉक कर दिया, रोक दिया। ये आगे बढ़ा, ये आप मान लेते हैं एक्स है, क्या मान लेते हैं एक्स, इधर अपना हो रहा है एक्स है, लेकिन ये किसको बता रहा है, वी तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा को ये बता रहा है। और इसने क्या किया, केवल कुछ कमरे जो समानता है कमरे, इनको तो, इनको तो इसने बाहर निकाला, इनको इसने बाहर निकाल दिया, लेकिन जो डॉट थे इनको इसने रोक दिया, डॉट से क्या कर दिया, रोक दिया। तो आपका प्रकाश क्या हो गया, ध्रुवित, यानी केवल ये वाले कंपन जिसकी इस पोलराइड की एक्स के समांतर कंपन थे वो तो बाहर निकले, लेकिन डॉट ये वाले जो कंपन थे वो रुक गए, क्योंकि इसकी तो एक्स है, ऐसे धारी है, ऐसे क्या धारी, इसके तो समांतर ये पोलराइड मान लीजिए, इसमें से धारी है कि ये जो कंपन आए इसके समांतर है वो तो आगे गए, लेकिन जो इसके लंबवत जैसे आ रहे हैं उसको इसने क्या कर दिया, ब्लॉक कर, जैसे ये ये वाला बाहर निकल गया, जबकि ये वाला क्या हो गया, रुक गया, जो हो गया आपका ध्रुवित प्रकाश। अब देखिए ये आपका बनता है कंपन तल, ये क्या बनेगा आपका कंपन तल, ये आपका बन जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ये आपका बन जाएगा कंपन तल, कंपन तल इसको बोलते हैं, कंपन तल क्या बोलते हैं इसको, कंपन तल, जिसमें क्या हो गया, जिसमें तरंग संचरण की दिशा भी है, जिसमें तरंग संचरण की दिशा भी है और आपके विद्युत क्षेत्र सदिश का गठन भी, विद्युत क्षेत्र सदिश का गठन भी, इस तल को बोलते हैं कंपन तल। अब देखिए इसको आप एक्स बोल लीजिए और इसको आप ऊपर डाल लीजिए, इसको इसको आप बोलते हैं वाई एक्स, तो ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका डेल एक्स, क्या बनेगा डेल एक्स। अब ध्रुवन तल एक होता है ध्रुवन तल, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, वो क्या होगा इसके 90 डिग्री पर, जिसमें क्या होगा तरंग संचरण की दिशा तो होगी, तरंग संचरण की दिशा तो होगी, लेकिन विद्युत क्षेत्र सदिश का गठन जीरो होगा, शून्य होगा, मतलब विद्युत क्षेत्र सदिश का कोई भी घटक उसमें नहीं होगा, उसे बोलते हैं ध्रुवन तल, जो क्या होता है कंपन तल से 90 डिग्री पर होता है। इसके लंबवत, इसके जो लंबवत है वो बन जाएगा आपका ध्रुवन तल, इसके लंबवत मतलब ये वाला जो तल है वो क्या बन जाएगा ध्रुवन तल, इसको मैंने बोला ये जो आपका तल है वो क्या बन गया ध्रुवन तल, ये जिसमें क्या देखिए ये ध्रुवन तल है, समझ में आ रहा है, अज्यूम करना अगर यह आपका कंपन तल है, अगर यह आपका कैसे दिखाई कि अगर आपका यह कंपन तल है, एक मिनट, कि अगर यह आपका कंपन तल है, यह आपका क्या है कंपन तल, तो यह क्या बन जाएगा ध्रुवन तल, दोनों एक समझ गए, ये कॉपी कंपन तल है तो इससे 90 डिग्री पर क्या आएगा ध्रुवन तल। इसमें देखिए इसमें क्या है विद्युत सदिश की कंपन भी और तरंग भी है, लेकिन यह वाला तल है यह आपका ध्रुवन तल, इसमें क्या है तरंग संचरण है लेकिन विद्युत सदिश के घटक नहीं है, इसको बोलते हैं ध्रुवन तल, इसमें क्या बोलेंगे ध्रुवन तल, क्लियर है आपका, योग इसको बोलते हैं ध्रुवन तल, और कंपन तल और ध्रुवन तल दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। तो मतलब परिभाषा लिख रहे हैं, समझ आ गया, आइडिया लग गया, ये और यह आपका है ध्रुवित प्रकाश, इसको बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश, क्या बोलते हैं इसको समतल ध्रुवित प्रकाश, पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज इसको बोलते हैं यूपीएल अनपोलराइज लाइट, या ए ध्रुवित प्रकाश, ए ध्रुवित प्रकाश, ए ध्रुवित प्रकाश यूपीएल मीन अनपोलराइज लाइट, इसको बोलते पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट, और यह आपका हो गया ये कोई पोलरॉइड, ये क्या आपका पोलरॉइड है, पोलेरॉइड, ठीक है, जो प्रकाश को ध्रुवित करने के, प्रकाश को ध्रुवित करने की डिवाइस है, युक्ति है, क्लियर। अब देखते हैं अपन कंपन तल के बारे में, डायग्राम बनाना, डायग्राम बना के लिख दीजिए कंपन तल, कंपन तल निकल के क्या प्रकाश ध्रुवन तल में या वह तल, एक नाम दे इसको कंपन तल और समतल ध्रुवित, नाम जिसको नाम दे दो ए बी सी डी, और इसको नाम देते हैं ई एफ G N S E F G S, लिखेंगे समतल ध्रुवित प्रकाश में या ध्रुवित, एक मिनट, समतल ध्रुवित प्रकाश में, किसमें समतल ध्रुवित प्रकाश में, समतल ध्रुवित प्रकाश में, समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल, समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें जिसमें तरंग संचरण की जिसमें तरंग संचरण की दिशा जिसमें तरंग संचरण की दिशा तरंग संचरण की दिशा वह विद्युत क्षेत्र सदिश, वह विद्युत क्षेत्र सदिश, विद्युत क्षेत्र सदिश
समतल ध्रुवीय प्रकाश में वह तल जिसमें तरंग चंद्र की दिशा व विद्युत सदिश दोनों 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 होते हैं, दोनों उपस्थित होते हैं, दोनों उपस्थित होते हैं ध्रुवण तल कहलाता है, सॉरी होते हैं कंपन तल, कंपन तल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कंपन तल कहलाता है, कहलाता है। जैसे आप इसमें कौन सा, इसमें ए बी सी डी के ए बी सी डी क्या है कंपन तल, उस डायग्राम में आपका जो ए बी सी डी वो क्या है कंपन तल, कैसे इसमें तरंग जा रही, तरंग ऐसे तरंग एक्स में आगे बढ़ रही है और ये जो कंपन है विद्युत क्षेत्र आप बताओ ये वाला ये एरोड ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है ध्रुवीय प्रकाश को, क्योंकि यहाँ से ए ध्रुवीय प्रकाश पोलराइज होकर आपके तो उसमें से डॉट तो बाहर निकल गए, क्यों ये वाला ये जो एरोज है वो ही आगे निकल पाए, यानी क्यों एक ही दिशा का कंपन आगे निकल पाए, दूसरा ब्लॉक हो गया रुक गया, वो रस्सी समझ रहे रस्सी रस्सी डाली यहाँ पे ये वाला आप कैसे हिला रहे हो, ये कंपन आगे जा लेकिन ये वाले कंपन आगे नहीं जा रहे, तो वही हुआ यहाँ पे। आगे बात करते हैं ध्रुवण तल, क्या बोलेंगे ध्रुवण तल प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन पीओपी वो होता है पीओपी बोल सकते हो पीओपी राष्ट्रोपेरिस होता है वो नहीं लेकिन आप प्लेन ऑफ पोलराइजेशन प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इसमें क्या होगा समतल ध्रुवीय प्रकाश में वह तल जिसमें तरंग संदेश की दिशा तो उपस्थित हो लेकिन विद्युत क्षेत्र सदिश का घटक शून्य हो क्या कहलाएगा ध्रुवण तल कहलाएगा, तो इसको अपन शब्दों में लिख सकते हैं, आप भी लिख लीजिए कि समतल ध्रुवीय प्रकाश में समतल ध्रुवीय प्रकाश में वह तल जिसमें तरंग संदेश की दिशा जिसमें तरंग संचरण की दिशा तो होती है लेकिन विद्युत सदिश का घटक शून्य होता है मतलब उसमें कोई विद्युत सदिश नहीं होता, विद्युत सदिश का घटक शून्य होता है ध्रुवण तल कहलाता है, क्या कहलाएगा ध्रुवण तल कहलाता है। कोई डाउट इसमें, ये हो गया। और आगे लिख लीजिए एक लाइन और लिख लीजिए कि कंपन तल व ध्रुवण तल क्या लिखोगे, इसके बाद लिख लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या लिखोगे इसके बाद, ये लिखने के बाद क्या लिखोगे कंपन तल और ध्रुवण तल दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं, समझ में आ गया। जैसे ये आपका क्या है ए बी सी डी एक्स वाई, ये आपका हो गया ध्रुवण तल, तो इससे 90 डिग्री पे क्या है, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, ए बी सी आपका क्या है कंपन तल है, तो इससे 90 डिग्री पर क्या हो गया ध्रुवण तल, क्लियर है, ये आपका कंपन तल, ये क्या हो जाए 90 डिग्री का ध्रुवण तल, क्लियर। ध्रुवण तल में सिर्फ तरंग संचरण की दिशा होगी, विद्युत सदिश नहीं होगा, कंपन तल में ध्रुवण वो विद्युत सदिश भी होगा और तरंग संचरण की दिशा भी होगी। डायग्राम में आके आप बात सीख लीजिए आपने, ठीक है इस वीडियो में इतना ही, आगे एक मिनट थोड़ा सा आगे अपन पढ़ रहे समतल और थोड़ा सा समतल ध्रुवीय प्रकाश उत्पन्न करने की विधियां, समतल ध्रुवीय प्रकाश उत्पन्न करने की विधियां लिख लीजिए आगे, इसको नोट कर देना, समतल ध्रुवीय प्रकाश पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, हो गया। आगे समतल ध्रुवीय प्रकाश उत्पन्न करने की विधियां, तो देखो पहला है क्या लिखा आपने समतल ध्रुवीय प्रकाश उत्पन्न करने की विधियां तो कौन कौन सी है, पहली होती है परावर्तन द्वारा, किसके द्वारा बाई रिफ्लेक्शन, परावर्तन द्वारा बाई रिफ्लेक्शन। दूसरी होती है अपवर्तन द्वारा बाई रिफ्रेक्शन। तीसरी होती है द्विअपवर्तन द्वारा बाई डबल रिफ्लेक्शन। चौथी होती है द्विवर्णता द्वारा बाई, यानी इसको बोलते हैं बाई क्रोमेटिज्म
और पांचवी होती है आपकी बाई स्कैटरिंग परकीर्णन द्वारा, परकीर्णन द्वारा, परकीर्णन द्वारा। क्लियर, ये थी आपकी समतल ध्वनि प्रकाश उत्पन्न करने की विधि। इसके जस्ट आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण और ब्रूस्टर का नियम। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। बेसिक नॉलेज का जो आपको मैंने दे दिया, ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, ध्रुवण क्या होता है, किसका कौन सी रंग का होगा, किसका नहीं होगा, और बाकी कंपन तल और ध्रुवण तल ये अपने पढ़ाया था, ठीक है। इसमें इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, बाय बच्चों, धन्यवाद।